हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर की सब्जी। इस सब्जी को मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल ढाबा स्टाइल। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बोल लिया है, इसके अंदर हम गर्म पानी डाल देंगे और अब मैं डालूंगी इसके अंदर एक छोटा चम्मच नमक। नमक डाल के हम इसे अच्छे से मिला देंगे और अब मैं इसमें 300 ग्राम पनीर डालूंगी। पनीर को मैंने छोटा छोटा काट लिया है। पनीर इसमें इसलिए डाल रहे हैं ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पनीर डाल के हम इसे 30 मिनट के लिए पानी में ही छोड़ देंगे और अब हम फटाफट से मसाले एक साथ मिला लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच मैंने काली मिर्च ली है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक छोटा चम्मच जीरा का पाउडर, एक बड़े चम्मच धनिया पाउडर ले लेंगे और साथ में डाल देंगे इसके अंदर गरम मसाला। तो ये मैं एक छोटा चम्मच डाल रही हूँ और साथ में डालेंगे इसके अंदर कसूरी मेथी। इसको मैंने भूनकर अच्छे से हाथों से क्रश करके डाला है। इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो हमारा पनीर का मसाला बनकर तैयार हो गया है। और अब मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में हम एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। घी की जगह आप तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। घी गरम हो गया है और अब इसमें एक छोटा चम्मच तिल डाल देंगे, एक छोटा चम्मच पॉपी सीड्स डालेंगे और साथ में डाल देंगे इसके अंदर काजू। तो मैंने ये 8 से 10 काजू लिए हैं, आप इनको काट कर या बिना काटे भी डाल सकते हैं। मैंने ये टूटे हुए काजू डाले हैं इसके अंदर और इनको 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कटा हुआ प्याज। तो ये मैंने मीडियम साइज का प्याज लिया है। प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये हल्के गुलाबी ना हो जाएं या हल्के ये सॉफ्ट हो जाते हैं, तब तक हम इसे भूनेंगे। तो भून लिया है और मैंने साथ में दिया है इसमें अदरक। तो मैंने 1 इंच रफली चॉप्ड अदरक डाला है, 7 से 8 कलियां लहसुन की डाली हैं और साथ में डाल देंगे 1/4 कप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। इनको मैंने छोटा छोटा काट कर डाला है। इन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेंगे। तो सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो गई हैं और अब मैं इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। पानी डाल के इसे हम ढक देंगे और ढक कर हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारे टमाटर पूरी तरीके से सॉफ्ट ना हो जाएं। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और अब 5 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं तो गैस को मैं बंद कर देती हूँ और इसे पूरी तरीके से पहले ठंडा कर लेंगे। तो हमारा जो ये टमाटर वाला मिक्सचर है ठंडा हो गया है तो अब हम इसे पीस लेंगे। इसके लिए मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डाल रही हूँ। पीसने से पहले हम इसमें 4 पीस पनीर के डाल देंगे। इससे जो हमारी ग्रेवी बनेगी वो बहुत ज़्यादा क्रीमी बनेगी और बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। और साथ में पीसने से पहले हम इसमें 1/2 कप पानी ज़रूर डालेंगे। अगर पीसते वक्त आपको लगता है कि और पानी की ज़रूरत है तो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसे पीस लिया है तो अब हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई गैस पर रख दी है। इसमें हम 1 बड़े चम्मच घी डालेंगे। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं। घी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 प्याज। मैंने इसको छोटा छोटा काट लिया है। प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है। मैंने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है, हम इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो ये भूनकर तैयार हो गया है और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा कलर आता है। इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लगातार चलाते हुए हमें सब्जी को बनाना है। फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर सब्जी बनाएंगे। और अब जो हमने प्यूरी तैयार करके रखी है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भी हमें अच्छे से पकाना है। प्यूरी हमारी जितनी अच्छी पकेगी हमारी सब्जी उतनी ही अच्छी बनेगी। प्यूरी डालने के बाद छींटे लगने का डर होता है इसलिए हम इसे कवर कर देंगे, लेकिन हम बीच बीच में इसे चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 10 मिनट हो गए हैं, प्लेट को हटा लिया है। तो हमारा जो ये सब्जियों वाला मिक्सचर है वो गाढ़ा हो चुका है। जब इसके अंदर से तेल निकलने लगेगा तब ये पूरी तरीके से पक जाएगा। तो आप देख सकते हैं साइड में से तेल निकलने लगा है। तो अब मैं इसमें मसाले ऐड करूंगी। जो मसाला हमने बना के रखा है वो इसके अंदर डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर अच्छे से 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 5 मिनट हो गए भूनते हुए, आप देख सकते हैं इसका कलर टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो गया है और ये बिल्कुल पककर तैयार है। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर गरम पानी। तो हम इसमें 2 कप गरम पानी डालेंगे। गरम पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और अब मैं डालूंगी इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी। और अब हम फिर से ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ग्रेवी को फिर से अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाना है, इसलिए मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। और अब 5 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो ग्रेवी हमारी पूरी तरीके से पककर तैयार हो गई है और अब हम इसमें पनीर डालेंगे, जो पनीर हमने पानी में भिगो के रखे थे। पनीर को हमें धीरे धीरे डालना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। और फिर अब इसमें हरी मिर्च और धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे। और मैं अब थोड़ी सी धनिया पत्ती और ऊपर से डाल रही हूँ ताकि हमारी सब्जी देखने में अच्छी लगे। तो हमारी ढाबा स्टाइल पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है फ्रेंड्स। आप घर पे एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।